जय हिंद दोस्तों, सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में बात करेंगे सदर्न ब्रेव वुमन वर्सेस बर्मिंगम वुमन द 100 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच द रोज बॉल साउथहैम्पटन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन शाम के 7:30 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं क्या करूँ उनको पता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन आपको सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट वुमन्स का, ठीक है, लड़कियों का T20 का मैच कब खेला गया था, ये खेला गया था दोस्तों 28 अगस्त 2019 को, जो खेला गया था लाइटनिंग वर्सेस सदर्न वाइपर्स के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पिच रहेगी ना, मेरे हिसाब से यहाँ पर न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं करीबन 12 दिन बाद दोस्तों मैच हो रहा है, ठीक है। क्यों 12 दिन क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको पता है, क्योंकि 12 दिन पहले यहाँ पे मेंस विटालिटी T20 ब्लास्ट का मैच हो रहा है हैम्पशायर वर्सेस ग्लैमोगन के बीच में। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों एकदम बढ़िया पिच रहेगी, फ्रेश पिच रहेगी। पर आमतौर पर जब दोस्तों यहाँ पे वुमेंस के मैचेस होते हैं ना, तो यहाँ पे पिच होती है बैट्समैन फ्रेंडली और यहाँ पे स्पिनर्स को दोस्तों मदद मिलती है। पर दोस्तों ग्राउंड किसका, सदर्न ब्रेव वुमेंस का दोस्तों होम ग्राउंड है। और देखो जो टीम दोस्तों बैट फर्स्ट करी है ना वुमेंस के अंदर, 2 मैचेस जीती है आउट ऑफ लास्ट 3 गेम्स। यहाँ पे लास्ट टाइम 2019 के अंदर दोस्तों 3 मैचेस हुए थे, तो उसमें जो टीम दोस्तों चेस कर रही थी वो मात्र 1 मैच जीती थी आउट ऑफ लास्ट 3 गेम्स। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करना मेरे हिसाब से सही डिसीजन रहेगा। एवरेज स्कोर आपको इस वेन्यू के ऊपर साउथहैम्पटन के ऊपर द 100 वुमेंस के अंदर 120-150 बनता दिखेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस के अंदर क्या हुआ है। तो देखो यहाँ पे पेसर्स ने 14 विकेट निकाले, पहली पारी के अंदर 4 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर दोस्तों पेसर्स ने 10 विकेट निकाले हैं, ठीक है। अब देखो किस टाइप के पेसर्स विकेट निकालते हैं, राइट आर्म पेसर्स 9 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स दोस्तों यहाँ पे 5 विकेट है। अब स्पिनर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स ने दोस्तों पे लास्ट 3 मैचेस के अंदर 21 विकेट निकाला है, आप देख सकते हो पेसर्स से दोस्तों 7 विकेट ज़्यादा है। अब देखो कैसे निकाला है, पहली पारी के अंदर 12 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 9 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स विकेट निकालते हैं, तो ऑफ स्पिनर्स सबसे ज़्यादा विकेट निकाले 13 विकेट से, लेग स्पिनर्स ने 5 विकेट निकाले और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स ने 3 विकेट निकाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था, कब हुआ था वुमेंस का, 28 अगस्त 2019 को जो खेला गया था लाइटनिंग वर्सेस सदर्न वाइपर्स के बीच में। उस मैच के अंदर यहाँ पे 10 विकेट स्पिनर्स ने निकाला था, बढ़िया परफॉर्मेंस था। और यहाँ पे 3 विकेट किसने निकाला था, पेसर्स ने 3 विकेट निकाला था तेज गेंदबाजों ने। अब दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड डाइमेंशंस की बात करते हैं, आपको यहाँ पे ग्राउंड डाइमेंशंस सिर्फ लेके चलता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो जो मैच हो रहा है ना रोज बॉल साउथहैम्पटन के ऊपर हो रहा है, लिखा हुआ दोस्तों आप ऊपर पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ आपको जो बाउंड्री डाइमेंशंस है ना वुमेंस के मैचेस के अंदर छोटी करी जाती है, आपको पता है दोस्तों, पर ये ना कुछ पोर्शन के अंदर छोटी करी जाती है, 10 या 15 मीटर अंदर दी जाती है बाउंड्रीज, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो बाउंड्रीज थी ना दोस्तों आमतौर पर ये वुमेंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, मेंस के अंदर तो 76 रहेंगी और 82 रहेंगी, लेकिन दोस्तों वुमेंस के अंदर ही हो जाएंगी बाउंड्रीज, आप समझ सकते हो करीबन मेरे हिसाब से 60 मीटर की है दोस्तों, मेरे हिसाब से लेग साइड की बाउंड्री रहेगी और सामने की बाउंड्री दोस्तों यहाँ पर 65 मीटर की रहेंगी। तो अपन कह सकते दोस्तों कि ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं रहेगी वुमेंस के अंदर, वरना अपन देखते हैं ना दोस्तों जो स्टेडियम है रोज बॉल साउथहैम्पटन, इसकी बाउंड्रीज दोस्तों बहुत लंबी होती है। पर देखते हैं दोस्तों कितनी बाउंड्री अंदर करते हैं यहाँ पे, वो तो आई थिंक टीम मैनेजमेंट्स को या फिर ग्राउंड स्टाफ को पता रहेगा वुमेंस के मैचेस के अंदर वो कितनी बाउंड्री को अंदर लाते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों स्टेडियम बहुत बड़ा है। वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हल्की सी बारिश होने के चांसेस है, आप देख सकते हो मैच इंग्लैंड के टाइम के अनुसार 2:30 बजे स्टार्ट होगा, 2 बजे टॉस होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बजे क्या हो रहा है, फ्राइडे के दिन हल्की सी बारिश है। फिर देखो दोस्तों 3 बजते हैं तो बारिश थोड़ी सी शावर्स हैं, 4 बजते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे क्लाउडी वेदर हो जाता है, बारिश नहीं होगी। फिर 5 बजे दोस्तों बारिश हो जाती है, तो ये दिन भी दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐसा ही हो सकता है। अपन दुआ करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं कि भाई बारिश ना हो। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है। रूल्स ऑफ द 100 दोस्तों आपको नहीं पता तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे रूल्स क्या है 100 के, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहा रूल्स ऑफ द 100 बाय स्टैट्स गुरुजी हिंदी, सबसे टॉप पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। न्यूज़ की बात करते हैं तो दोस्तों न्यूज़ तो कोई आई नहीं अभी तक बड़ी, बस आपको याद रखना है सदर्न ब्रेव वुमन दोस्तों हैम्पशायर के रूप में जानी जाती है और बर्मिंगम वुमन दोस्तों वॉरविकशायर के रूप में जानी जाती है। ओवरसीज प्लेयर है यहाँ पे स्टेफन टेलर, स्मृति मंदना, एमडी डब्लिंगटन सदर्न ब्रेव वुमन की, बर्मिंगम की शेफली वर्मा, हेलेन बर्न्स, कैटी मैक। चलते हैं दोस्तों लाइनअप्स की तरफ। उससे पहले आपको कहूँगा कि इस टीम ने दोस्तों अभी तक करा क्या है। सदर्न ब्रेव वुमन
दो मैचेस खेली है, दोनों जीती है। पहले मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच थी कौन, अनैश रुबसोल। दूसरे मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच थी स्मृति मंदना। समझ सकते हो दोस्तों आप, बढ़िया परफॉर्मेंस है मैच विनर्स टीम के अंदर। अब देखो टॉप ऑर्डर दोस्तों का स्ट्रॉन्ग है, मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग डिपार्टमेंट दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो टीम दोस्तों टॉप क्लास है। अब गिव अवे किसके ऊपर है, स्मृति मंदना के ऊपर। हैशटैग स्टैट्स मुझे आपने लिखना है और आपको बताना है यहाँ पर एस एम स्मृति मंदना कितने रन बनाएंगी, ठीक है। गिव अवे का स्क्रीनशॉट दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट किया जाएगा, प्राइज नहीं है गिव अवे के ऊपर। स्मृति मंदना ओपन करते हैं डैनी वाइट के साथ, सुफिया डंकली यहाँ पर आती है वन डाउन। फिर दोस्तों आप स्टेफनी टेलर आएंगी टू डाउन, ये दोस्तों ऑफ स्पिनर राइट ही बैट्समैन और प्रमुख गेंदबाज है। भैया बाउची आएंगे दोस्तों यहाँ से, एमडी रंगटन, अनैश रुबसोले कैप्टनसी कर रही है, एफ यू मॉरिस, चार्लोटे टेलर, चार्ल रॉड, लॉरेन बेल। दोस्तों स्विंगर आती है बॉल को बोथ द साइड्स, ज़्यादातर इन स्विंग अच्छा डालती है जो मैंने ऑब्जर्व कराया दोस्तों। इन स्विंग अच्छी आती है इनकी, बॉल पड़ने के बाद अंदर आती है तेज गति से। प्रमुख गेंदबाज देखो स्टेफनी टेलर बीस बॉल डालेंगी, एमडा जडवेंटन 20 बॉल डालेंगे, अनैश रुबसोले 20 बॉल डालेंगे, और ऐसे लॉरेन बेल डालेंगे। अब जो बचे दोस्तों 20 बॉल वो कौन डालेगा, वो डालेंगे चार्लोटे टेलर, एफ यू मॉरिस, या फिर दोस्तों अपन कह सकते हैं ये दोनों डालनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आपके बर्मिंघम वूमी की तरफ, तो इनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत बढ़िया है, टॉप ऑर्डर अच्छा है, स्पेशली हार्ड हिटर बैट्समैन है, क्लीन हिटर है बॉल के, ऐसा आड़े से नहीं मारते हैं लेकिन शॉट्स अच्छे मारते हैं हार्ड हिटर बैट्समैन है। और मिडल ऑर्डर दोस्तों यहाँ पे कंसर्न है, सिर्फ एमी जोन्स की वजह से थोड़ा सा ठीक है, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अगर एमी जोन्स नहीं चलती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों रॉ टैलेंट है, कोई एकदम रेप्यूटेटेड बॉलर नहीं है इतना बड़ा, बस एक टैलेंट कह सकता है 70% अच्छी बॉलिंग लाइनअप्स है, 30% दोस्तों थोड़ी सी कमजोर है क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, कहाँ पे दोस्तों बॉलिंग करानी है जब बैट्समैन मारने लग जाते हैं उसकी कमी है। शफील वर्मा ओपन करती हैं, ओवरसीज प्लेयर ऑफ द बेस्ट कंट्री इंडिया, रिन बिन्स, फिर एमिलिया अलॉट, कैटी मैक, एमी जोन्स, एल्विन जोन्स, रंगिया से जॉर्जिया एल्विश, बहुत अच्छी प्लेयर है, जोनन डेविस, ईशी वॉन्ग, क्रिस्टन गार्डन और ऐसे अब्ताह मकसूद। चलते हैं दोस्तों इसकी तरफ, लास्ट मैच में क्या हुआ था तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सदर मेरी वुमन की बात करता है, स्मृति मंदना 0 है, 61 नॉट आउट है यहाँ पर। लास्ट मैचेस के अंदर ही बात कर रहा हूँ मैं, इस टूर्नामेंट के अंदर 100 के अंदर अभी तक क्या हुआ है। डैनी वाइट 7-12 रन, दोनों मैचेस में दोस्तों अभी तक कुछ करा नहीं है। डंकली 6 रन है, दूसरे मैच में 16 रन है, और ये जिसके 8 रन थे दोस्तों इनसाइड एज लग के आए थे, इनसाइड एज समझ रहे दोस्तों, एज लग के कीपर के बगल से बॉल निकल गई, थर्ड मैन के यहाँ से निकल गई दोस्तों एज लग के, टॉप एज लग के इस तरह से। स्टेफनी टेलर पहले मैच के अंदर 45 है, एक विकेट है, 26 रन देके, लास्ट मैच में 20 बॉल में 19 रन दिया, 17 रन विद द बैट्स को करा था। तो मैं देख सकते हैं दोस्तों जो प्लेयर है ना स्टेफनी टेलर, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर मानी जाती है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, बहुत अच्छी टेक्निक है, लंबा खेलने की कोशिश करती है, इसलिए दोस्तों आप देख रहे हो 20 गेंद के अंदर 17 रन है। ये भी मारमूर के मैच खत्म कर सकती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। मियां बाउचिर दोस्तों 18 रन पहले मैच में, दूसरे मैच में इनकी आई नहीं चांस। एवरेज रन 5 रन, और इन्होंने पहले मैच में 11 रन दिया, दूसरे मैच के अंदर इन्होंने आप देखो दोस्तों 19 रन दिया 20 गेंदों में, 2 विकेट निकाले दोस्तों, वहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन था इनका। और जो पहला मैच हुआ था ना उसके अंदर इसने 11 डॉट बॉल डाली थी और अनैश रुबसोले ने 13 डॉट बॉल डाली थी। अब आएंगे यहाँ से एफ यू मॉरिस, तो आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हो, पहले मैच में 10 गेंद डाली 19 रन दिया, दूसरे मैच के अंदर 15 गेंद डाली 14 रन दिया, और अनैश रुबसोले दोस्तों पहले मैच के अंदर 40 रन प्लस 4 विकेट था, 182 पॉइंट जीते इसने, कड़क परफॉर्मेंस ऑफ दिन दोस्तों। फिर दूसरे मैच के अंदर 15 गेंदों में 16 रन दिया विकेटलेस, वही होता है दोस्तों नेचर्स, एक दिन दोस्तों आप सबसे हाई फील करते हो, अगले दिन दोस्तों आपको पता नहीं कब ये नेचर दोस्तों नीचे ला सकता है। एग्जांपल आपके सामने दोस्तों बेस्ट 182 पॉइंट्स कहाँ होते हैं दोस्तों और 4 पॉइंट कहाँ होते हैं आप सोच के देखना एक बार। फिर आएंगे यहाँ से एफ यू मॉरिस, विकेटलेस बताई दी आपको, लॉरेन बेल दोस्तों 2 विकेट 2 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस इसका, स्विंग करा दिया दोस्तों मेरे हिसाब से, 1-2 साल के अंदर डेब्यू कर सकते इंग्लैंड के लिए। टारा नॉरिस पहले मैच में 10 गेंद 19 रन दिया विकेटलेस, चार्लोटे टेलर 10 गेंद के अंदर 19 रन दिया एक विकेट है लास्ट मैच के अंदर, अच्छा प्रदर्शन था यार। स्टार्टिंग ओवर लॉरेन बेल, अनैश रुबसोले, एमडी वेलिंगटन, डेथ ओवर में अनैश रुबसोले, स्टेफनी टेलर, वेलिंगटन, लॉरेन बेल। चलते हैं दोस्तों बर्मिंघम वुमन की तरफ, तो आपको ध्यान देना है शेफाली वर्मा क्या करी है इस टूर्नामेंट के अंदर, 13 रन 6 रन, और लास्ट मैच में टच में नहीं दिखी थी लेकिन दोस्तों बड़ी प्लेयर है, वही कहता है ना बड़ा प्लेयर दोस्तों वही होता है जो पास्ट को भूल के अपने प्रेजेंट पे वर्क करता है, फ्यूचर पे दोस्तों वर्क करने की कोशिश करता है। एरिन बंस 2 रन 2 विकेट है, लास्ट मैच के अंदर 15 गेंद में 16 रन दिया विद द बैट, 17 रन स्कोर करा था, अच्छा टच में दिखी थी दोस्तों, रैम शॉट अच्छे मार रही थी, बैक ऑफ द हैंड वाली जो बॉल्स आ रही थी, मतलब समझते हो ना स्लोर वगैरह बॉल्स आ रही थी उस पर अच्छा इन्होंने जज करा था। और एमिली अलॉट पहले मैच में 8 रन, दूसरे मैच के अंदर 1 रन, और पहले मैच में 15 गेंद में 30 रन देके 2 विकेट निकाला, लास्ट मैच के अंदर इसने 10 गेंद के अंदर 9 रन दिया विकेटलेस गए। कैटी मैक दोस्तों ये मैंने क्यों लिखा है,
ऐसा या कोई साइन दिख रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, टीम दोस्तों उसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है दोस्तों टीम को खिलाना ही नहीं चाहती, ऐसा लगा देख के बस एक ओवरसीज प्लेयर का कोटा पूरा करने के लिए खिला रही है भाई। इससे आप ओपन कराओ, क्या दिक्कत है, या फिर दोस्तों आप इनसे वन डाउन खिला लो, आप इरिन बेन से ओपन करा रहे हो, मैं मना नहीं करा, लेकिन आप दोस्तों एमिले अलॉट के बदले वन डाउन खिलाओ यहाँ पे कैटी मैक को, लेकिन पता नहीं टीम पता नहीं यहाँ पे एमिले अलॉट के साथ बार बार ओपन क्यों करा रही है या वन डाउन क्यों खिला रही है उसको। 7 रन 8 गेंद 5 गेंद में 3 रन, मैं मानता हूँ दोस्तों परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन इसने बिग बैश लीग के अंदर जैसी इतनी बड़ी लीग होती है वुमेंस की, उसके अंदर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस ज्यादा, उसके अंदर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आते हैं, पहली बार सबसे बेस्ट डोमेस्टिक फॉर्मेट होता है दोस्तों वुमेंस के अंदर क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सेकंड नंबर पे दोस्तों आता है अपना ये इंग्लैंड, आप देखो यहाँ से एमी जोन्स 33 रन 31 रन है, बढ़िया परफॉर्मेंस कीपिंग से दोस्तों, बहुत पॉइंट्स देती है, मतलब कम से कम 20-25 पॉइंट्स उसके हर मैच में रहते हैं कीपिंग से। एल्विन जोन्स 47 जॉर्ज एलविश का दोस्तों पहले मैच में 16 गेंद के अंदर 23 रन दिया, दूसरे मैच के अंदर 27 गेंद के अंदर 2 विकेट निकाला, मतलब 27 रन दिया 20 गेंदों के अंदर। और दोस्तों बड़ी बात क्या थी पता आपको, जॉर्ज एलविश ना डेथ ओवर में 10 बॉल डाली थी लगातार, तो डेथ ओवर की दोस्तों प्रमुख गेंदबाज है और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इसके पास, इसने इंग्लैंड के लिए दोस्तों बहुत मैचेस खेले। गैरन डेविस पहले मैच में कुछ रोल नहीं था, दूसरे मैच के अंदर 17 गेंद के अंदर 20 रन स्कोर करा, इशुवांग दोस्तों पहले मैच में 1 विकेट है, दूसरे मैच के अंदर 15 गेंद में 13 रन दिया, ये दोस्तों गति से डालते हैं, इनका सपना दोस्तों वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बॉलर बनना, लेकिन इस टाइम पे सबसे वर्ल्ड की वुमेंस की फास्टेस्ट बॉलर है शबनम इस्माइल, ठीक है। क्रिस्टी गॉर्डन आएंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 1 विकेट है, दूसरे मैच के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस अपन कह सकते हैं, 3 विकेट निकाला, 14 रन दिया लगभग 20 गेंदों के अंदर। दूसरे मैच के अंदर देख सकते हो अफ्ता मकसूद की बात करते हैं, पहले मैच में 5 गेंद में 7 रन दिया, मैच दोस्तों जल्दी खत्म हो गया था, दूसरे मैच के अंदर 20 गेंद के अंदर 14 रन दिया, 2 विकेट निकाला, बहुत अच्छी लेग स्पिनर है, स्कॉटलैंड की बॉलर है। अब देखो स्टार्टिंग ओवर, रिन बिन्स, इशुवांग, क्रिस्टी गॉर्डन, डेथ में एमिले अलॉट, इशुवांग, जॉर्ज एलविश, क्रिस्टी गॉर्डन। चलते हैं दोस्तों आप इसकी तरफ, जब भी स्वैनिक और मैचेस में तब क्या हुआ है, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्मृति मंदाना ने वेस्टर्न शोम की तरफ से स्वैनिक के ऊपर 30 रन करा था T20 के अंदर वाइल्ड चेसिंग, इंग्लैंड के अंदर 24 मैचेस खेले 808 रन है। डेनी वाइट का दोस्तों 10 मैच के अंदर 12 की एवरेज है, 116 रन है, और बैट फर्स्ट 59.8760, बैट सेकंड देखो दोस्तों अब 4 बार तो डक पे आउट हुए यहाँ पे 36.0000। सोफिया डंगली 1 रन वाइल बैट फर्स्ट, स्टेफनी डेलर 44 नॉट आउट वाइल बैट फर्स्ट, 8 रन बैट फर्स्ट 1 विकेट था। मिया बाउचीर 19 रन चेसिंग, आई थिंक 19 रन बैट फर्स्ट है, 17 वाइल चेसिंग, 7 वाइल चेसिंग, 6 बैट फर्स्ट 1 बैट फर्स्ट, जिसके ऊपर हमने एक कोट मारा है ना ऐसा, ये फर्स्ट इनिंग्स होता है, और जिसके ऊपर मैंने ऐसा डबल कोट मारा है ना, इसका मतलब ये सेकंड इनिंग्स होता है ऐसा, दो बार मारा है जो इस पर एक ही बार मारा है, मतलब फर्स्ट इनिंग्स है। एवरी जडवेंटन 3 मैच के अंदर 2 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेट लस गई थी, जो उसने 2 विकेट निकाला था बॉल फर्स्ट करते हुए निकाला था, 15 रन विद द बैट है। अनाया शुरबसोल 2 मैच में 2 विकेट है, एफी मॉरिस का 6 मैच में 5 विकेट 46 रन है, 1 मैच के अंदर विकेट लस है, चार्ला रोड का 10 मैच में 8 रन है, लॉरेन मेल का दोस्तों 4 मैच के अंदर 1 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लस गई है, चार्लोटे टेलर ने दोस्तों आप एक मैच खेला था तो उसके अंदर मैन ऑफ द मैच रही थी, 4 विकेट निकाला विद द बॉल और 31 रन स्कोर करा था विद द बैट, पर टीम दोस्तों से सिर्फ 10 बॉल डाली थी लास्ट मैच के अंदर, समझ के बाहर था रीजन। बर्मिंघम वुमन की बात करता है, शेफाली वर्मा यहाँ पर नहीं खेली है, पर इंग्लैंड के अंदर 3 मैचेस में 48 रन है, एमी जोन्स को दोस्तों पे 4 मैचेस के अंदर 43 की एवरेज, 130 रन है, हाईएस्ट 74 नॉट आउट है, बैट फर्स्ट करते हुए 74 नॉट आउट 10, बैट सेकंड 35-11। एल्विन जोन्स ने यहाँ पे 2 मैचेस खेले, 33 रन वाइल बैट सेकंड और 1 मैच में बैटिंग नहीं आई। जॉर्ज एलविश का दोस्तों यहाँ पे 2 मैचेस खेले, 28 बैट फर्स्ट, 2 रन बैट सेकंड और 2 मैच में विकेट लेस। गैरन डेविस का 3 है, इशुवांग का दोस्तों यहाँ पे 1 विकेट है 1 मैच के अंदर, क्रिस्टी गॉर्डन का दोस्तों यहाँ पे 2 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, अब तक मकसूद नहीं खेली है। थिया ब्रूस का 45 वाइल चेसिंग, 17 वाइल बैट फर्स्ट, 9 वाइल चेसिंग, 11 वाइल चेसिंग एंड 1 वाइल बैट फर्स्ट। मैरी कैली का दोस्तों 5 रन है। ये दोस्तों हर प्लेयर के स्टैट्स आप समझ सकते हैं, वो कैसे समझना है, जैसे कि स्मृति मंदाना ने आज तक T20 के अंदर 135 मैचेस खेले हैं और इसने 30 प्लस कितनी बार कराया, 45 टाइम्स कराया, दोस्तों आपको 30 प्लस क्यों तो आपको पता है, इसने खेले तो 135 मैचेस है भाई, सबको पता है, पर दोस्तों कितनी बार चली है, ये चली है 45 टाइम्स, जो 30 प्लस स्कोर करता है ना मतलब चल गया था। 3200 रन है T20 के अंदर, हाई स्टेक्स होता है। इस साल देखो फॉर्म कैसा है, 2021 के अंदर 6 मैचेस में 37 की एवरेज है, 185 रन है। इसी तरह दोस्तों आप हर प्लेयर स्टैट्स को समझ सकते हो, मैं धीरे धीरे स्कूल कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चार्लो टेलर देखो दोस्तों इस साल बढ़िया फॉर्म था उसका, लेकिन बॉलिंग ही कम कराई इससे यार, समझ के बाहर था। शेफाली वर्मा दोस्तों अच्छी प्लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन कैप्टन दिखेंगे आपको, स्मृति मंदना, स्टेफनी टेलर, बड़ी लीग्स में बना दोस्तों स्टेफनी टेलर को, इरिन विंस को, स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा, ये 4 दोस्तों मेरे लिए मोस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं। अलग जा रहे हैं शुभसोल, वेलिंगटन, डैनी वेटकॉक ट्राई करते दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे टीम्स की,
यहाँ पे कैप्टन है रिनबिन्स, दो सीजन क्या ओपन कर रही हैं, प्लस 15 बॉल तो डालती ही डालती हैं, अच्छी स्पिनर है, वाइस कैप्टन स्टेफनी टेलर, शायद दोस्तों को कैप्टन भी कर सकते हैं, लास्ट टाइम जैसा करा था शुभसोल एम एल अलॉट, दोस्तों क्रेडिट सेवर के तौर पर लेना पड़ रहा है, एशी वॉन्ग, लॉरेन बेल, क्रिस्टियन गॉर्डन, डैनी वाइट, सिद्धि वंदना, शेफली वर्मा, एम जोन। अब देखो दोस्तों बड़ी लीग्स में करना है, वही कहूँगा रिस्क लेने दोस्तों कभी डरना नहीं है, पहली बात आपको नोट करनी है विकेट कीपिंग सेशन के अंदर सबसे बेटर ऑप्शन यही है, चीज वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वही कहूँगा दोस्तों बहुत अच्छी खिलाड़ी है। कीपिंग से देखो दोस्तों लास्ट मैच में कितने पॉइंट दिए थे, आपको दिखाता हूँ दोस्तों कीपिंग से कितने पॉइंट दिए थे, 36 पॉइंट दोस्तों उसने कीपिंग से दिए थे, स्टंपिंग करी थी कम से कम 3 बार स्टंपिंग करी थी आई थिंक, तो आपको थोड़ा सा इनपैक्ट जर रखनी है। अब आती है दोस्तों यहाँ से स्मृति मंदाना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पहला मैच में दोस्तों डक पे आउट हुई थी, नेगेटिव पॉइंट्स देखे गए थे आपको पता रहेगा, तो देखो विद द बैट डक पे खुद पढ़ सकते हो दोस्तों, तो कैच से थोड़ा बहुत पॉइंट मैनेज कर लिया था। रिनबिन्स दोस्तों नीचे खेल रही है थोड़ी सी, शेफली वर्मा जनता दोस्तों उनको बिलीव करना चाहिए मेरे हिसाब से, डैनी वाइट पे दोस्तों जनता ने बिलीव नहीं करा, 64% हो चुकी है, ये दोस्तों बेटर प्लेयर है, अच्छा कर सकती है दिन रातों, स्टेफनी टेलर इंपॉर्टेंट, शुभ शोले दोस्तों एक अच्छी खिलाड़ी है वैसे तो, रिनबिन्स इंपॉर्टेंट है, और ये भी दोस्तों अगर बर्मिंगम बॉल फर्स्ट करती है तो एलविश दोस्तों मच पे होनी चाहिए, एम डब्ल्यूटन दोस्तों अच्छी गेंदबाज है, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, एम एल अलॉट दोस्तों क्रेडिट सेवर के तौर पर अपन देख रहे हैं, क्रिश्चियन गॉर्डन इंपॉर्टेंट, लॉरा बॉल इंपॉर्टेंट है, ईशी वॉन्ग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगर आप बड़ी लीग्स ट्राई कर रहे हो तो मकसूद को जरूर ट्राई करना इंस्टेड ऑफ ईशी वॉन्ग किसी और के बदले, और दोस्तों यहाँ पे मेरे को लग रहा है चार ओटी टेलर को सिर्फ 10 बॉल या तो मुश्किल से 5 बॉल मिलेगी अगर खेलती हूँ तो, पर ये अच्छी बॉलर है दोस्तों, लास्ट मैच में मैंने पिक भी करा था, इसने डोमेस्टिक सर्किट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, दिक्कत क्या ओवर्स कम डाल रही है जिसलिए दोस्तों मैं इनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई भी फर्दर अपडेट्स चाहिए दोस्तों आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, तब तक के लिए दोस्तों वही कहूँगा तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी यहाँ पर, क्षमा जाता हूँ ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली दफ़ा, लाइफ में दोस्तों खुशियाँ जिंदगी एक बार मिलती है, कुछ बड़ा करके जाना दोस्तों, बी फियरलेस, टेक केयर, जय हिंद।